लगी है, जिन्हें दूर सख्त कर दी है, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा हमारे घर में माँ है और बहन है, अगर हम ये सख्त कर देंगे किसी लड़की के साथ ना इंसाफी, बल्कि एक लड़की के साथ ही सब लड़कियों के साथ ना इंसाफी होगी। मैं बोलती उनको पहले इस कातिल को, इस रेपिस्ट को छोड़ के पहले उनको सजा दीजिए जिन्होंने एक गलत सर्टिफिकेट पेश की है। लेकिन हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, इन्होंने हमें वादा किया था कि पहले हम आप 12 दिन हमें दे दो, लेकिन हम उन 12 दिनों का वेट कर रहे थे। कल शाम में इन लोगों ने ये सर्टिफिकेट जो पास चोरी चोरी दी है, तो इसीलिए हम एक खबर आई थी कि इनका रिकॉर्ड ही ऐसा ही है स्कूल में, आप क्या कहेंगे? मैं बोलती हूँ स्कूल में, आप बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है, टीचर बनाया जाता है, लेकिन मैं बोलती हूँ पहले इस स्कूल को, इसकी लाइसेंस को पहले कम से सील करो, इस स्कूल को सील करो कम से कम। अगर सारे स्कूल चलेंगे, ये स्कूल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमें आज प्रूफ हो गया इस स्कूल में रेपिस्ट को पैदा करते हैं और रेपिस्ट और जो ये सारी चीजें हैं ये पेश करते हैं, इसलिए इनको सिखाते हैं। तो एडमिशन क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी वो पता नहीं ये क्या लास्ट में सारे लोग एक ही बात बोलते हैं, चलो हम छोड़ देंगे। हम ताहिर कादरी को ये बोलना चाहते हैं, उसने हमें वादा किया था 12 दिनों में हम इसको फांसी के फंदे पे चढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही होगा। कुछ महीने पहले आसपास जो है पुलिस के रहने वाले, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, उस टाइम भी सारे लोग निकल गए, लेकिन फायदा क्या हो गया? वो लोग अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी अपना शिकार लोग कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारी मात्रा में ये सब हो गया। कम से कम जो हमारा गवर्नमेंट है, उसकी भी बेटी है, उसकी भी बहन है, मैं बोलती हूँ प्लीज हमें इंसाफ दो। चार महीने में एक कम्प्लीट होगा, ऐसी कौन सी चीज आपको मजबूर कर दिया कि आपको ड्रिल करना पड़ता है?